तो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हियर आई एम विद द फोर्थ लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली फॉर जेई एडवांस्ड। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पढ़ना आज का टॉपिक रहेगा हमारा इस लेक्चर में। हर तरह के रूल्स, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है बच्चों से, स्पेशल कुछ केसेस, सभी चीज़ों को प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा आज के लेक्चर में। और कोशिश करेंगे आज रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ और जो फिनोमेनाज हैं उसको भी हम फिनिश करें, और अगला लेक्चर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन पे हो, ठीक है। इससे पहले मैं ये बताऊं आपको कि यूट्यूब पर हमने अभी कौन कौन से चैप्टर कराए हुए हैं। आपको अगर आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको कुछ चैप्टर्स करने हैं तो YouTube पर ही आप हमारे साथ वो चैप्टर्स कर सकते हैं। एंड दो चैप्टर्स आर, जैसे कि जो बेसिक स्टार्टिंग चैप्टर है लाइक मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, रेडॉक्स हो गया, इक्विवेलेंट कंसेप्ट हो गया, आइडियल गैसेस हो गए, रियल गैसेस हो गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, ये सभी आपको यूट्यूब पर पूरे कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। मतलब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, पूरी तरीके से कंप्लीट लेक्चर्स यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से केमिकल बॉन्डिंग तक, अप टू MOT के पहले के टॉपिक तक है। कुछ एडवांस लेक्चर्स जो आगे के हैं वो यूट्यूब पर नहीं है, उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा MIIT ऐप, और ऐप पे मिलेंगे आपको ये कोर्सेस। सो दीज आर द कोर्सेज फॉर JEE 25 एंड 26 स्टूडेंट्स। ये कोर्सेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 25 स्टूडेंट्स के लिए, और अभी हम इसमें फोकस कर रहे हैं सिर्फ प्रॉब्लम्स पे। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स इसमें अपलोड किए जा रहे हैं विथ डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशंस। करंटली रफली हमारे पास 600 प्रॉब्लम्स हमने अपलोड किए हुए हैं, एंड अवर टारगेट इट इज़ टू मेक इट 1000 प्लस प्रॉब्लम्स। तो आई गारंटी यू कि अगर आप ये लेक्चर्स करने के बाद ये प्रॉब्लम्स खुद से ट्राई करते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो उतना काफ़ी होगा आपके जेई एडवांस प्रिपरेशन के लिए। एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व PYQs ऑफ जेई एडवांस्ड। ऑब्वियसली वो तो करना ही है, वो तो हर बच्चे को करना है। अगर आपने थ्योरी कहीं से करी हुई है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए लेक्चर्स चाहिए, तो एक सेपरेट कोर्स अवेलेबल है कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अदरवाइज अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो इसके साथ ही आपको ये प्रॉब्लम्स का एक्सेस मिल जाता है, ओके। तो अगर 25 एस्पिरेंट आप हैं तो बिल्कुल इधर उधर ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। या इवन अगर आप बहुत अभी मेहनत करना चाहते हैं, आपने ठीक से स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, तो भी देखा जाए तो जेई एडवांस के लिए अभी काफ़ी टाइम है, अभी भी आप प्रिपरेशन शुरू करके एक ठीक ठाक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन अबाउट जेई 2026 कोर्स, तो ये बेस्ट कोर्स है, बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन इंडिया फॉर जेई 2026 केमिस्ट्री। तो इसमें अभी हम लाइव क्लासेस करते हैं MWF 5:00 इवनिंग, पूरी तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चीज़ें चल रही हैं। कंप्लीट 27 मंथ्स का 2 ईयर्स का कोर्स है, और क्लासेस पूरी तरह से लाइव रहती हैं। आपको चैप्टर के बाद प्रॉपर मॉड्यूल मिल जाता है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और आपको बस वही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आप वो क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, आपका एक बहुत अच्छा ग्रिप आ जाएगा चैप्टर्स पे। और जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये सभी कोर्सेज का जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है वो है लेक्चर्स की क्वालिटी और लेक्चर्स की डेप्थ। तो लेक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ देखने को मिलेगा, जो सच में केमिस्ट्री है आपको वो परोसी जाएगी, कुछ इधर उधर की फर्जीबाजी नहीं होगी। सच में जिस तरह से पढ़ना है केमिस्ट्री को, एक्चुअली जो चीज़ें हैं ऊपर लेवल की, आपको वो बताई जाएंगी, ओके। तो ये जो कंप्लीट केमिस्ट्री है हमारा, इसमें केमिकल बॉन्डिंग अभी चल रही है हमारी। जस्ट हमने लास्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के भी 8-9 लेक्चर हो गए, अभी हम ब्रिज बॉन्ड पे पहुँचे हुए हैं। बैक बॉन्डिंग हमने पिछले लेक्चर में ऑलमोस्ट ख़त्म किया है, ब्रिज बॉन्डिंग पे पहुँचे हुए हैं। और अभी एक और प्लान है कि ये जो कोर्स है हमारा, इसमें हम
इनऑर्गेनिक और फिजिकल को हो सकता है साइमल्टेनियसली भी चला सकते हैं। लाइक हफ्ते में 3 दिन अगर हम इनऑर्गेनिक कर रहे हैं तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके फिजिकल चलाएं, ये भी कर सकते हैं। बट सिलेबस हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत डिटेल में चीज़ें कराई जा रही हैं और हमारा टारगेट है कि 15 जनवरी 2025 तक हम सभी चैप्टर्स क्लास 11th के अलॉन्ग विथ फ्यू टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है और हम प्लान के अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं। तो जो भी 26 एस्पिरेंट है, अगर उसको अपनी प्रिपरेशन नहीं समझ आ रही है कैसे करनी है जेई 2026, तो बिल्कुल आज ही आप कोर्स ज्वाइन करो, काफ़ी अफोर्डेबल है, कंप्लीट 2 ईयर्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपने पिछले 3 लेक्चर्स प्रॉपरली देखे हैं और तभी आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पहले एक छोटा सा मैं रेडिकल का रेजोनेंस रेडिकल्स में कैसे होता है उसके स्ट्रक्चर से एक आध बनवा देता हूँ, वो अभी नहीं बनवाए थे तो अपने नोट्स में ही आगे एक आध इनके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो। देखो रेडिकल्स में भी रेजोनेंस होता है। अब ये किस तरह से रेजोनेंस होगा, ये जो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसमें ना, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसे आप होमोलिटिकली तोड़िएगा। होमोलिटिकली तोड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ए ए बॉन्ड है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है तो अगर आप इसको इस तरह से तोड़ें कि दोनों अपने नॉर्मल एटॉमिक स्टेट में आ जाए ए डॉट एंड ए डॉट, तो इसको कहा जाता है होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड। ये कहा जाता है इसको होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड, ऑल दो रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सब आएगा तो वहाँ फिर से बताएंगे एक बार। तो यहाँ पर एक डॉट है तो आप इस बॉन्ड को ऐसे होमोलिटिकली तोड़ेंगे और होमोलिटिकली तोड़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि रेडिकल एक यहाँ आ गया है, एक रेडिकल यहाँ और एक यहाँ है। अब आजू बाजू रेडिकल देखकर आप एक पाई बॉन्ड बना देंगे, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो दीज आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दीज आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेडिकल्स में भी रेजोनेंस होता है, बस ये बताना चाह रहा हूँ। एक आध और बना लो, जैसे देखो ये वाला थोड़ा इलोंगेटेड रहेगा, ये यहाँ रेडिकल है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो क्या करोगे, ये होमोलिटिकली तोड़ दिया आपने, जब आपने इसको होमोलिटिकली तोड़ा तो यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ रेडिकल, यहाँ पाई, देखो ये पाई बॉन्ड इधर बन गया, रेडिकल शिफ्ट हो गया बीच में, रेडिकल शिफ्ट हो गया बीच में, अब जस्ट ये बाजू वाले पाई के साथ इसको भी होमोलिटिकली तोड़ दो और द मोमेंट आप उसको होमोलिटिकली तोड़ोगे यहाँ तो पाई है ही, एक पाई यहाँ बन जाएगा और रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन का रेडिकल है ये डीलोकलाइज्ड है ओवर 3 कार्बन एटम्स, तो दिस रेडिकल इज डीलोकलाइज्ड ओवर 3 कार्बन एटम्स। मुझे लगता है आज के बाद एक और लेक्चर लगेगा, 5वां लेक्चर भी लगेगा रेजोनेंस पढ़ने में। कुछ रेजोनेंस के इफेक्ट्स हैं जैसे SIR इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ये सब कुछ और एडिशनल टॉपिक्स हैं जिसको हम करते हुए चलेंगे अभी साथ में। ठीक है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है और बहुत प्रॉपर सीक्वेंस में कराऊंगा और सब कुछ कराऊंगा। आप अगर ये लेक्चर्स फॉलो करते हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो, इसके बाद आपको हर मॉड्यूल, हर बुक का GOC का हर सवाल बन जाएगा। हाँ, गिवन दैट रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई टॉपिक उसमें ना पूछा हो, क्योंकि कुछ चीज़ें रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर देखिए, अब आ जाइए, लिखिए रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको ये लॉजिक तो पता है, आपको ये लॉजिक तो पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट करते हैं, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, रेजोनेटिंग हाइब्रिड में। तो अभी हमको यही देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, तो इसके लिए हैं कुछ रूल्स और वो रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। रूल्स थोड़े इंटरेस्टिंग है भाई, इसको ध्यान से समझना और कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना इसमें,
जो रूल्स हैं उसको उसी हिसाब से फॉलो करना, ठीक है, जो रूल्स हैं उसको उसी हिसाब से फॉलो करना। चलो, तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। पहली बात, मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स मीन्स मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो, ये कहीं ना कहीं ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो आप ये देखते हो कि सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। आप ये देखोगे कि जब कोवलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है ना, अभी वो एग्जाम्पल से बताऊंगा तो समझ आएगा, अभी पहले रूल्स लिखो। तो ये भी एक रूल काम करता है कि अगर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसको काफी कंट्रीब्यूटिंग माना जाता है, काफी स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू दोज जिनका ऑक्टेट ही कंप्लीट ना हो। तो बाकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट वाला एक है और जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला ज्यादा स्टेबल होगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो इसी में आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ना आप ये देखोगे कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है दोनों रूल्स। तो इसी में और करके लिख देते हैं हम, एक और तरीके से देख सकते हो, स्ट्रक्चर विथ ईच एटम विथ कंप्लीट ऑक्टेट विथ ईच एटम विथ कंप्लीट ऑक्टेट आर सपोज टू बी मोर स्टेबल। आर सपोज टू बी मोर स्टेबल, ठीक है, ये एक तरह के रूल्स हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर मान लो दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन एक स्ट्रक्चर में ना चार्जेस है और एक स्ट्रक्चर में चार्जेस नहीं है, तो माना जाता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो लिखो, स्ट्रक्चर विदाउट चार्जेस ऑन इट इज मोर स्टेबल। जिसमें चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये भी बात समझ में आ गई होगी, चार्ज नहीं है तो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तीसरा पॉइंट, अब अगर चार्ज है तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, ये बात तो समझ आ गई। अब जो तीसरा पॉइंट है वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि अपोजिट चार्जेस जितने दूर हैं, अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस जितने दूर होंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ये बात आपको भी पता है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, उससे रिलेट कर लो थोड़ा सा। प्लस माइनस चार्ज अगर पास है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से अगर अपोजिट चार्जेस दूर हैं उसको कहा जाता है चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। तो अगर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, चार्जेस अगर दूर दूर हैं तो उससे स्टेबिलिटी घट जाती है, ठीक है। तो लिखो, चार्ज सेपरेशन, सब कुछ अभी ना एग्जाम्पल के बाद अच्छे से समझ आएगा, डिक्रीजेस दी स्टेबिलिटी, डिक्रीजेस दी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ
आरएस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अब बीच में और कुछ हो सकता है उसका हमको नहीं पता, ठीक है। मैं बस चार्ज सेपरेशन दिखाने जा रहा हूँ। तो ये पास पास है चार्ज, ये चार्ज दूर दूर है, तो इसको बोलेंगे हम ज़्यादा स्टेबल है, इसको हम बोलेंगे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। फिलहाल इतनी बात समझो। अब ठीक है, मान लो चार्ज सेपरेशन भी बराबर है, तब क्या देखा जाए, चार्ज सेपरेशन भी बराबर है, दोनों में जो चार्जेस हैं वो भी बराबर दूरी पे है, अब कैसे कंपेयर करें। तो अब ये देखो कि चार्ज कौन से एटम पे, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो शोभा देता है, तो अच्छी बात है। तो नेगेटिव चार्ज को किस पे होना पड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना पड़ेगा, समझ गए बात। तो लिखो अगला रूल, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो ये लाइन से चल रहे हैं रूल्स, तो सबसे पहले तो आपको यही देख लेना है कि यार किसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, वो सबसे अच्छे हो गए, उनको अलग करना है। फिर देखना है कि यार चार्ज सेपरेशन किसमें ज्यादा है, तो चार्ज सेपरेशन वाला रूल फिर लगाना है। फिर देखना है अगर चार्ज सेपरेशन बराबर है तो फिर देखना है कि अरे किसमें नेगेटिव चार्ज है वो देखना है, और अगर वो भी सेम हो जाए तब फिर कुछ दो चार एकदम एक्सेप्शनल से नियम काम करते हैं, वो भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो ज़्यादा लोग हैं वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं ठीक से, इसके बाद जो रूल्स काम करते हैं ना, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उसकी बात करेंगे। तो लिखो नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो इससे उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बेहतर माना जाएगा। मतलब मान लो कहीं कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन पे माइनस है नाइट्रोजन पे प्लस है, एक और स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन पे माइनस है कार्बन पे प्लस है, तो नाइट्रोजन पे माइनस वाले स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबल मानेंगे गिवन दैट चार्ज सेपरेशन बराबर हो। तो पहले चार्ज सेपरेशन देखना है, उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आएगी। तो देखो फिलहाल जो फंडामेंटल नियम है वो तो यही चार हैं, लेकिन अभी कुछ और स्पेशल रूल्स काम आते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। पहले तो आपको ये देखेंगे, तो आप 90% क्वेश्चंस मैं बोलूँगा या 95% क्वेश्चंस तो आपको इनसे बन जाएंगे। बट अगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, याद करो कौन से, याद है वो वाले नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसमें तो अगर आप देखो तो ये सभी नियम फेल हो जाएंगे, ये सभी नियम, क्योंकि सभी में सब कोई चार्ज है ही नहीं किसी में। नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बताया था मैंने, एंथ्रासीन फिनेंथ्रीन ये सब बताए थे, जी हाँ। तो वहाँ पे क्या देखना होता है, तो एक और रूल काम आता है, लिखिए ये वहाँ पे काम आएगा, मोर नंबर ऑफ बेंजिनॉइड्स, मोर नंबर ऑफ बेंजिनॉइड्स इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा बेंजिनॉइड्स होंगे, जितने ज्यादा बेंजिनॉइड्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ये वहां पे काम आएगा, देखना ये वाला रूल। अब स्टार मार्क करके दो रूल्स और लिख लो, इफ एवरी रूल फेल्स, बहुत रेयर केसेस में लगेगा, बट जेई ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा तो इस पे आना चाहिए। अगर एवरी रूल फेल हो गया तब आपको क्या करना है, सो चेक द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन आरएस यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये कैसे करते हैं थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी ऑफ कटायन अनायन नहीं पढ़ाया है मैंने,
तो सुनो मेरी बात को, सुनो, समझ आ जाएगा, समझ आएगा। आप ये बताओ, जब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोई एटम है इसमें प्लस चार्ज है, या फिर मैं इधर लिखता हूँ कोई एटम है उसमें माइनस चार्ज है, तो ओवरऑल आपके दिमाग में अभी ये चीज़ मैंने बैठा दी है कि चार्ज कोई सा भी हो बुरा होता है, स्टेबिलिटी के लिए बुरा होता है, फैक्ट की तरह ही समझना पड़ेगा इसको। कोई भी चार्ज है बुरा है, ये दिमाग में बैठा लो। चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अच्छा है। अगर एक एटम पे पूरा चार्ज भरा पड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है एक एटम पे, तो वो स्टेबिलिटी के लिए हानिकारक है, वो स्टेबिलिटी के लिए हानिकारक है। अगर वही चार्ज चार एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डीलोकलाइज हो जाए, तो हम कहेंगे कि स्टेबल हो चुका है, हम कहेंगे स्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी चार्ज हो, वो प्लस हो वो माइनस हो, अगर उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो हम बोलेंगे स्टेबल हो चुका है। तो अब आप बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मैं बाजू में अगर एक ग्रुप लगा दूँ, अगर एक ग्रुप लगा दूँ जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी कि माइनस आई वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप लगा दूँ, माइनस आई वाला ग्रुप, तो आप क्या बोलोगे, माइनस आई वाला ग्रुप, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब तो है कि पॉजिटिव की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहा है। अरे पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब और पॉजिटिव देना, और पॉजिटिव देना, पॉजिटिव की मैग्नीट्यूड बढ़ गई, पॉजिटिव की मैग्नीट्यूड बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई, तो स्टेबिलिटी कम हो गई, समझ गए। माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी को घटा देता है, ये हम कार्बोकैटायंस में पढ़ेंगे, कार्बोकैटायंस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कार्बोकैटायन नहीं बोल रहा मैं, अभी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ये करते हैं कि जब पूरे रूल्स फेल हो जाते हैं ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस लगा के देखते हैं, और ये बहुत ही वाहियात तरीका है भाई। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें रेजोनेंस लगा के आप दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, आपको उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बतानी पड़ेगी। तो क्या यूज़ करना है बेटा उसके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ करना है। अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगा, अभी बस सुनते जाओ और लिखते जाओ बातों को, एग्जाम्पल से समझ आएगा, डोंट मिस द एग्जाम्पल्स। तो बात समझ आई, कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस लगा के नहीं देखना है कि अच्छा इसमें रेजोनेंस हो रहा है इसलिए ये स्टेबल है। अबे वो खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हो रहा है वाला फंडा नहीं लगाने का। अब यहाँ पे देखो, माइनस आई से स्टेबिलिटी कम हुई, इसी तरह से उल्टा बोलूँगा, अगर कोई प्लस आई वाला ग्रुप है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। समझ आ गई बात। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, पुश करता है, मतलब प्लस आई ग्रुप, अगर मैंने प्लस आई ग्रुप लगा दिया तो अरे माइनस को और इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, माइनस को अगर और इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इसका मतलब स्टेबिलिटी घटाओगे, इसका मतलब स्टेबिलिटी घटाओगे। इसी तरह से यहाँ लिखो माइनस आई ग्रुप, तो बढ़िया है, माइनस से इलेक्ट्रॉन खींचोगे, स्टेबिलिटी बढ़ाओगे। तो रटने का नहीं है, इस तरह से सोचना है, वो सोच डेवलप करिए बस। समझ आ गया, ये रूल समझ आ गया। एक और रूल काम करता है, ये भी बहुत रेयर देखने को मिलेगा, बट जो रेयर है वही तो इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा भी फिनोमेना देखने को मिलता है कि देखो क्या है, अगर देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे सोचो इस बात को कि अगर मैं वही केस बताता हूँ आपको जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग के समय बताया था कि रेजोनेंस किस तरह का फिनोमेना है। यहाँ एक घटना हुई, इस स्पॉट में एक घटना हुई, और पांच लोगों ने इस घटना को देखा, पांच लोगों ने इस घटना को देखा, और अब इन्वेस्टिगेटर आया, इन्वेस्टिगेटिंग टीम आई है, और वो टीम पता कर रही है, इनसे पूछताछ करके पता कर रही है कि क्या हुआ है, फाइनल कॉन्क्लूजन निकालना चाह रही है। ये सुनना मेरी बात, ये लास्ट वाला रूल समझने में काफी काम आएगा। फाइनल कॉन्क्लूजन निकालना चाह रही है,
तो अगर 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 और मैं बता रहा हूँ ये रूल्स आपको नहीं बताएंगे लोग, ये जो आगे के रूल्स हैं, क्योंकि किताबों में नहीं रहते, कुछ स्पेशल किताबें हैं, कुछ स्पेशल सोर्सेज हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई विल नॉट रिवील दी सोर्सेज हियर। तो चलिए फाइनल कॉन्क्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी घटना हुई, आप ऐसा समझ लीजिए, अब ये पांच लोगों से इन्वेस्टिगेटिंग टीम आई है और इनसे पूछताछ कर रही है। तो ये कह रहा है कि यार ऐसा हुआ, ये कह रहा है ऐसा हुआ, ये भी कह रहा है ऐसा हुआ, ये कह रहा है ऐसा हुआ, ये कह रहा है वैसा हुआ, बात समझ रहे हो, ये कह रहा है वैसा हुआ। इसका मतलब कि इन चारों की बातों में कुछ सिमिलैरिटी है, कि एक तरह की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा हुआ था, नहीं नहीं इसने इसको मारा था, नहीं नहीं इसने इसको मारा था, नहीं नहीं इसने इसको मारा था, इस तरह की बातें ये चार लोग कर रहे हैं। लेकिन ये एकदम उल्टी बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, एकदम ऐसा हुआ था, ये उल्टी बात कर रहा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि इसकी बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, ये बोला जाएगा भाई ये नशे में, तू साइड हो जा, तू साइड हो जा, बाकी चार लोग गलत नहीं कहेंगे, तुम साइड हो जाओ। कुछ इसी तरह से ये वाला रूल काम करता है, कुछ इसी तरह से ये वाला रूल काम करता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, समझ पा रहे हो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये हाइब्रिड है। तो अगर कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एकदम अपोजिट नेचर का बन गया है, कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एकदम अपोजिट नेचर का बन गया है, तो इसका मतलब है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होती है। समझिए मेरी बात, सो लिखिए इस बात को, कैसे होता है अपोजिट नेचर, अभी एग्जांपल से ही समझ में आएगा। इफ एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज टोटली ऑफ अपोजिट नेचर, टोटली ऑफ अपोजिट नेचर, इट इज सपोज टू बी लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सपोज टू बी लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अब मजा आएगा जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विथ सम वेरी बेसिक फंडामेंटल एग्जाम्पल्स एंड उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पिक करता हूँ आपके लिए और उनको हम एक एक करके करेंगे। तो चलिए लिखिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो द वेरी फर्स्ट इज CH3CH+OCH3, इसका रेजोनेंस होगा, O का लोन पेयर यहाँ गिरेगा, ये बनेगा CH3CH OCH3+। अब देखो इस स्ट्रक्चर में ही, ये दोनों स्ट्रक्चर में ही मैक्सिमम बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं, क्या गलती कर बैठते हैं, देखो क्या गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ। उनको सबसे पहले ये दिखता है कि अरे यार पहले वाले स्ट्रक्चर में कार्बन पे प्लस है, कार्बन पे प्लस है, और यहाँ पर दिखता है ऑक्सीजन पे प्लस है। तो उनको लगता है अच्छा ऑक्सीजन पे प्लस तो बुरी बात है, अभी आपने बताया सर कि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे हो तो अच्छा है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव पे हो तो अच्छा है। अरे बट मेरी बात समझो यार, आपको मैंने सबसे पहला रूल क्या बताया, सबसे पहला रूल तो ये बताया ना कि आप ये देखो कि कहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं आप वो देखो ना। तो आप देखो तो यहाँ ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यहाँ एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना पड़ा हुआ है, और उसी को उस एंगल से सोच सकते हो। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करो। ये जो ऑक्सीजन पे प्लस है भी तो फॉर्मल प्लस है, वो तो लोन पे डोनेट किया इसलिए प्लस आया है, कोई उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट थोड़ी ना हो गई है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, कोवेलेंट बॉन्ड भी इसलिए ज़्यादा है। इसलिए मैंने बोला पहला जो रूल है, इसलिए मैंने बोला जो पहला रूल है वो एक तरह से कोरिलेटेड काइंड ऑफ है। यहां पे देखो आप तो कार्बन की ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, तो इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से कौन से स्ट्रक्चर को आप ज्यादा स्टेबल मानोगे, मानो ना मानो ये ज्यादा स्टेबल है।
दिस विल बी मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. हमें हाइब्रिड नहीं बनाना है, ठीक है, हमें अभी हाइब्रिड यहाँ नहीं बनाना है, क्योंकि दोनों का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा तो हम एक्चुअल में हाइब्रिड नहीं बता पाएंगे कैसा होना चाहिए. तो हाइब्रिड अभी बनाने की ज़रूरत नहीं. अब ये लो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल पहले करा रहा हूँ, सी एच टू डबल बॉन्ड सी, एच सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ एच, कैसा रेजोनेंस होगा. अब देखो इसमें क्या करते हैं लोग, एक तो ये पाई का पाई के साथ कॉन्जुगेशन कराया गया तो कुछ ऐसा आया, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी ओ माइनस सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पे प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस. तो बताओ दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा स्टेबल होगा. वन इज़ मोर स्टेबल देन टू, वन इज मोर स्टेबल देन टू, समझ आ गई बात. न्यूट्रल भी है, सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट हैं, और क्या चाहिए जीवन में. अब इसी में अगर आप एकदम उल्टे नेचर की बात करोगे, आप अगर एकदम ऐसी बात करोगे डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच, आप बोलोगे अगर ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ. इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप बोलोगे सर ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें बहुत तरह की दिक्कतें हैं, और इसको ना आप एक तरह से लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मान सकते हैं. पहली बात, आपने ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दी है. किसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दी है पता है, राजा की. राजा कौन है, राजा है ऑक्सीजन. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक ऑक्सीजन, और आपने ऑक्सीजन की अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दी तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कोई महत्व नहीं है. इनको हम कहते हैं कि ये लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, और लीस्ट ही क्या मैं कहूँगा नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे स्ट्रक्चर्स को. मैं तो कहता हूँ इनको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ना बोलो तो अच्छा है, आप इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ना बोलो, आप इनको नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन वाला मानिए, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती. ऑक्सीजन पे प्लस लाना कहीं से सही बात नहीं. तो देखो ये थोड़ा लास्ट वाले रूल के जैसा भी हो जाएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ ही ट्रैवल करेगा, ऑक्सीजन की तरफ ही ट्रैवल करेगा. तो ये बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा है, ये काफ़ी श्योरिटी के साथ कह रहा है कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है. लेकिन ये एकदम उल्टी बात कर रहा है, नहीं 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 यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हम ये मानेंगे भाई ये नशे में, ये नशे में, इसकी कोई बात का कोई महत्व नहीं है, अपोजिट नेचर की बात कर रहा है. लेकिन अब आप बोलोगे सर वहाँ तो चार लोग ऐसा कह रहे थे, एक लोग उल्टा कह रहे थे. कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर एग्जैक्टली वो रूल मत लगाओ आप, यहाँ तो आपको ऑक्टेट से ही समझ आ गया, ऑक्टेट से ही समझ आ गया ना, अभी रूल फेल नहीं हुए, अभी रूल फेल नहीं हुए, तो अभी आपको तो शुरू के चार पांच रूल्स जो मैंने बताए उसी से समझ आ गया, तो अभी उसी से आंसर करो. बट बात ये भी कुछ इसी तरह की है कि एकदम अपोजिट नेचर की बात कर रही है, बात कुछ उसी तरह की है ये भी, ठीक है. चलो एक और बनाओ, एक और बनाओ, ये लो सी एच टू, सिंपल सिंपल पहले देख रहे हैं, आज की क्लास में स्टेबिलिटी पे ही बात होनी है. सी एच टू ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो क्या बना, सी एच टू प्लस सी एच डबल सी एच सिंगल सी एच टू माइनस, सेम ये इधर जाकर ये इधर जा सकता है, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया सी एच टू माइनस सिंगल सी एच डबल सी एच सिंगल सी एच टू प्लस. सो इफ दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, लेट्स सी कि कौन ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, क्या है स्टेबिलिटी का ऑर्डर. तो आप एक चीज़ तो बिल्कुल कहेंगे कि पहले वाले स्ट्रक्चर में सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, और देखो ऑक्टेट कंप्लीट है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी ज़्यादा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी, दो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है इसमें, एक एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है इसमें, दो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है पहले वाले में, इसमें एक एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो क्या आप ये बोल सकते हो, क्या आप ये बोल सकते हो कि हाँ पहला वाला तो ज़्यादा ही स्टेबल होगा.
पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। अब आप अगर सेकेंड और थर्ड में रूल्स लगाएं तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सेम है, उसके बाद आप देखोगे चार्जेस हैं दोनों में, चलो चार्ज सेपरेशन देखते हैं, तो आप बोलोगे चार्ज सेपरेशन, अरे चार्ज सेपरेशन भी सेम है, चार्ज सेपरेशन भी सेम है, क्या बात है। अब आप देखोगे किस एटम पे कौन सा चार्ज है, किस एटम पे कौन सा चार्ज है, कार्बन पे प्लस कार्बन पे माइनस, कार्बन पे प्लस कार्बन पे माइनस, अरे ये भी सेम है। फिर आप ये देखोगे कोई बेंजिनॉइड वगैरह तो नहीं है आ रहा है, यहां कोई बेंजिनॉइड वाला सीन तो नहीं है, नहीं है कुछ नहीं है, कोई बेंजिनॉइड वाला सीन नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल से स्ट्रक्चर्स है। बस आप सोचो तो बस इसी का सब पलट दिया जाए तो ऐसा दिख रहा है, तो मैं बताऊं आप कोई भी रूल यूज करके यहां पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में ना आप कोई भी रूल यूज करके डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बिल्कुल आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माने जाते हैं ये। तो आप कहोगे सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड एंड दीज टू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल आप इनको अलग नहीं मान सकते, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सर एक आध और एग्जाम्पल दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, चलो इसको पहले नोट कर लिए, हर एग्जाम्पल नोट करते जाना लाइन बाई लाइन। अब अगला देखो, जैसे मान लो ये वाला है कार्बोक्सिलेट आयन, ये भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि आप खुद ही देखोगे कि इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ओ माइनस ये इधर गया ये इधर गया, लुक एट दिस। और पता है आपको ऐसे केसेस में ना हाइब्रिड बना पाना पॉसिबल होता है, ऐसे केस में आप हाइब्रिड बना सकते हो, लुक कोई डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पाओगे, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यस। इसमें हाइब्रिड बना सकते हो आप, क्यों कैसे बनाओगे, क्योंकि दोनों की हाफ हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन मान लोगे, तो अगर दोनों की हाफ हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप कहोगे ये कह रहा है डबल बॉन्ड है, ये कह रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों की आधी आधी बात मानोगे तो आप कहोगे अच्छा यहां 0.5 बॉन्ड है। इसी तरह से यहां भी ये सिंगल बॉन्ड है, ये कह रहा है डबल बॉन्ड है, दोनों की आधी आधी बात मानोगे आप बोलोगे यहां पर भी 0.5 बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का हो जाएगा, यहां भी हल्का माइनस, यहां भी हल्का माइनस, एक माइनस चार्ज, दो ऑक्सीजन एटम्स पे डिस्पर्स्ड है, एक माइनस चार्ज दो ऑक्सीजन एटम्स पे डिस्पर्स्ड है, तो यहां पर 0.5 का मैग्नीट्यूड, यहां पर 0.5 का मैग्नीट्यूड, और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो ये देखो ये हाइब्रिड बन गया। इसी तरह से जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हो ये भी इक्विवेलेंट में आ जाएगा, ये भी इक्विवेलेंट में आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर ये है, अगला स्ट्रक्चर आप एरोमेटिक सा ये बनाते हो, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या बोलोगे इनको, जी हाँ ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप कोई भी रूल्स लगाओ आप फेल हो जाओगे, आप यही पाओगे एट द एंड ऑफ द डे कि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, इस वजह से दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर होगी रेजोनेंस हाइब्रिड को, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसा बनेगा हाइब्रिड, ये देखिए बड़ा आसान, वही सेम लॉजिक लगाओ, ये कह रहा है डबल है, ये कह रहा है सिंगल है, ये कह रहा है डबल है, ये कह रहा है सिंगल है, तो अल्टीमेटली हर जगह 0.5 का बॉन्ड है, हर जगह 0.5 का बॉन्ड है ये। इसीलिए कुछ बुद्धिजीवियों ने बोल दिया कि बेंजीन को ऐसा बना दो सर्कल, तो ऐसा सर्कल बना दो, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये सर्कल ये हाइब्रिड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब यहाँ पे ऐसा सर्कल बना होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये एक्चुअल बेंजीन की बात हो रही है, ये एक्चुअल बेंजीन की बात हो रही है, और जब ऐसा बना हुआ है मतलब वो उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट कई बार हम नॉर्मली ऐसे बना देते हैं तो उसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि गलत है, ठीक है, कई बार हम ऐसे ही बना देते हैं। ओके, इतनी बात समझ आ गई होगी, ये नोट करो। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओ पाइरोल का और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना, पाइरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो लेट अस कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइरोल, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ढंग से करेंगे।
सो कैसे बनाया जाएगा, चलिए देखिए। स्ट्रक्चर्स तो पता है आपको, पहले भी बनवाए थे। दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पर आया ऐसा, ये आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, फिर ये माइनस चलेगा इधर और ये आएगा इधर, तो क्या कहोगे आप? आप कहोगे कि माइनस यहाँ है, पाई इधर है और प्लस यहाँ है, फिर इसको इधर चलाओगे ये इधर आ जाएगा। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका आया ऐसा, एन दिस दिस एन, और यहाँ ऐसा प्लस, यहाँ बैठ गया माइनस, ये पाई ऐसा, अगला ये इधर चलाओगे ये इधर आएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हैव अ लुक दिस, ये ऐसा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पाई, यही बने। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब चलो इसमें स्टेबिलिटी की बात करते, कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो पहला स्ट्रक्चर देखो, मजे की बात क्या है इन स्ट्रक्चर्स में, कुछ नज़र आ रहा है कि हर एक स्ट्रक्चर काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, हर एक स्ट्रक्चर काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, क्योंकि 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 सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है। हर एक स्ट्रक्चर में आप चेक करो, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ भी एन का कंप्लीट है, कार्बन पे माइनस है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है, ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है। और देखो ऑक्टेट कंप्लीट है तो आप ये भी पाओगे कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बराबर है। चेक करो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बराबर हैं। जी हाँ, तो ये सभी अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, किन्हीं को भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बेकार स्ट्रक्चर है। अब आगे देखो दूसरी चीज, एक चीज तो समझ आ रही है, न्यूट्रल वाला चार्ज वालों से अच्छा, न्यूट्रल वाला चार्ज वालों से अच्छा। तो एक बात आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट वाला बेहतर होगा बाकियों से। अब बाकियों की बात अभी करेंगे, फर्स्ट वाला बेहतर होगा बाकियों से। अब बताओ ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनमें कैसे देखा जाए? तो मैं बताऊं कैसे देखा जाए। अगर आप देखो चार्ज किस एटम पे, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन पे प्लस, कार्बन पे माइनस, तो सर सेम ही है सर, सर नाइट्रोजन पे प्लस, कार्बन पे माइनस, तो ये तो सेम ही लग रहा है सब कुछ। बट एक और रूल आप भूल रहे हो शायद, याद करो चार्ज सेपरेशन मैंने पढ़ाया था। चार्ज सेपरेशन अभी आपको बताया मैंने कुछ देर पहले, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, चार्ज सेपरेशन में हमने क्या पढ़ा कि चार्जेस अगर दूर दूर हैं तो स्टेबिलिटी थोड़ी घट जाती है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो डिस्टेंस है आजू बाजू है, और यहाँ पर थोड़ा दूर है, यहाँ पर थोड़ा दूर है और यहाँ पर आजू बाजू है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर ये दोनों में कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। थर्ड और फोर्थ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, वो तो बस डायरेक्शन बदला है ना, प्लस का माइनस का डायरेक्शन बदला है। आप नहीं बोल सकते कि कौन अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो ऐसे केसेस में क्या बोलना पड़ेगा, थर्ड और फोर्थ बराबर स्टेबिलिटी के हैं, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम दे आर बेटर देन सेकेंड एंड फिफ्थ ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, हमने ये डिसाइड किया। और सेकेंड और फिफ्थ भी इक्विवेलेंट है, समझ आया? ये कैसे डिसाइड हुआ, दिस हैज बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन से ये समझ आ गया। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, आपने नोट कर ली होगी, ये नोट हो जानी चाहिए। चलिए कुछ और कंपैरिजन करते फटाफट, मैं दो दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। तो जो पुराने जीओसी के लेक्चर्स हैं हमारे और ये वाले जो जीओसी के लेक्चर्स हैं, इसमें यही डिफरेंस रहेगा कि अभी जो हम लेक्चर कर रहे हैं इसमें एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, और मुझे लगता है ऑर्गेनिक में इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगी, बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। ये एक चेंज करूंगा मैं पिछले लेक्चर्स के कंपैरिजन में, पिछला लेक्चर भी बहुत है, इनफ है, बट क्या है कि फिर से सेम चीज़ पढ़ाने से अच्छा उसमें कुछ ऐड किया जाए।
अभी पढ़ा रहा हूँ जीओसी, अगले बार और जब जीओसी पढ़ाऊंगा तो कुछ दो चार और नई चीज़ें ऐड करूंगा, तब तो मतलब है ना फिर से पढ़ाने का, वही चीज़ें वही नोट्स लाके छाप देने का कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा वर्जन अपडेट करना चाहिए, तो वही कर रहे हैं। इवन अगली बार अगर मैं मोल कंसेप्ट भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर तो वो थोड़ा अपडेटेड होगा, ठीक है, थोड़ा अपडेटेड होगा, तो अपडेट करना मेरे हिसाब से अच्छा होता है। चलिए भाई अभी दो दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग वाला है, कौन सा माइनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग वाला है। सी एच माइनस सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, दूसरा सी एच थ्री, नोट करते जाइए, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन माइनस, कैसे बना होगा वो भी आप समझ सकते हैं, ये माइनस ऐसे चल गया होगा, तो इन दोनों में कौन ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है ये बताओ। अगला है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड एनओ टू, फिर यहां पर आता है सी एच थ्री, यहां पर माइनस चार्ज है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड एन ओ माइनस प्लस, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। चलिए तीसरा अब इनको डिस्कस करते, थर्ड इज सी एच थ्री सी एच टू सी प्लस एन एच टू एन एच टू। नेक्स्ट स्ट्रक्चर रिलेटेड टू दिस इज सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड एन एच टू प्लस सिंगल बॉन्ड एन एच टू। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स की बात करी जाए पहले, तीन स्ट्रक्चर्स, एक और लिख रहा हूँ यहाँ चौथा फोर्थ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी माइनस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एंड सेम यही माइनस इधर रेजोनेंस अगर कर लेगा तो इट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी ओ माइनस सी एच थ्री, ठीक है। तो चलो ये चार एग्जांपल्स फटाफट से करते हैं फिर आगे की बात करेंगे। तो एक मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, पहले आप इनको कर लीजिए नोट करके, आंसर अपने कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और उसके बाद फिर देखिएगा क्या सही आंसर होंगे। ये भी इजी क्वेश्चंस हैं, बनने चाहिए इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े बेहतर लेवल वाले क्वेश्चन अभी कराऊंगा, एक एक स्टेप ऊपर बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ईजी हैं बनने चाहिए। देखो पहले वाले क्वेश्चन में कोवेलेंट बॉन्ड्स बराबर दिख रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बराबर दिख रहे हैं, तीन को दो पाई बॉन्ड है, यहां भी दो पाई बॉन्ड है, इसीलिए देखो कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है इसीलिए ऑक्टेट भी कंप्लीट है। मैंने बार बार बोल रहा हूं रूल्स को रिलेटेड है, पहला वाला रूल को रिलेटेड है इसलिए ऑक्टेट भी सिमिलर दिख रहे हैं। अब आपको बस अल्टीमेटली यही देखना है, चार्ज सेपरेशन का तो कोई फंडा लगेगा नहीं यहाँ पे, चार्ज सेपरेशन का कोई फंडा लगेगा नहीं तो क्या करना है, तो चार्जेस देख लो, कार्बन पे माइनस नाइट्रोजन पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस बेहतर है, तो दिस इज मेजर दिस इज माइनर, दिस इज मेजर दिस इज माइनर, गॉट इट, नाइट्रोजन पे माइनस बेहतर है। ये वाले स्ट्रक्चर में बच्चे गलती करेंगे, उनको क्या लगेगा कि यार यहाँ ना बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है क्योंकि इसको इस तरह से बना दिए। अरे भाई जब NO2 बना हुआ है यहाँ पर भी N और O पर चार्ज तो है ही, समझो मेरी बात, NO2 इस तरह का होता है तो यहाँ भी O पर माइनस N पे प्लस तो है ही, ऑब्वियसली वो तो रहता ही है, फॉर्मल नेगेटिव फॉर्मल पॉजिटिव वहाँ तो है ही, बट यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये माइनस यहाँ चला है, ये इधर चला है और ये इधर गया है,
तो इस तरह से एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हुई है, बढ़िया रेजोनेंस हुआ है, और ये नेगेटिव जो कार्बन पे बैठा था घूमते फिरते उसे स्वर्ग मिल चुका है, वो ऑक्सीजन पे चला गया है। और अगर वो ऑक्सीजन पे चला गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ गई है, और ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग मानेंगे। दिस इज मेजर, दिस इज माइनर, दिस इज मेजर, दिस इज माइनर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सी, आप ये देखिए, यहाँ ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट नहीं है, बट यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। फिर वही फंडा जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, ये प्लस को मत देखिएगा कि एन पे प्लस है, सी पे प्लस है तो सी पे प्लस बेहतर है, गलत कॉन्सेप्ट है, ये मत करिएगा। ऑक्टेट से देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड से देखिए, यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी को मेजर मानिएगा, इसको मेजर मानिएगा, एंड दिस इज माइनर, दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। यहां पे देखें अगर तो कार्बन पे माइनस, और बाजू वाले में देखें तो ऑक्सीजन पे माइनस, बाकी सब सेम है, बाकी कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह सब सेम है, देख लो, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह सब सेम है, और इस वजह से हम इस स्ट्रक्चर को मेजर मानेंगे और इसको माइनर मानेंगे। अब आ जाओ अगला एग्जाम्पल, नेफ्थलीन के बाद मैं आता हूं इस पे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एंथ्रासीन के, इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो मैंने इसके लिए आपको पहली रूल्स बता दिए किस तरह से चलना है, और मैं बता रहा हूं बेटा हर तरह के क्वेश्चन आपको नोट्स में करा दूंगा। आप अगर प्रॉपर नोट्स बनाते हो, नोट्स को रिवाइज करते हो, आप हर तरह के क्वेश्चन करने में सक्षम रहोगे, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है नोट्स थोड़े बड़े बने, बट बनाना है उसको, काफ़ी समय बचेगा आपका। और एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखोगे कि जो बाकियों के नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं और मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं, आप मेरे लेक्चर्स कम ही पाओगे, लेकिन जो कंटेंट पाओगे वो ज़्यादा पाओगे, ये गारंटीड है, क्योंकि लेक्चर्स के दौरान कोई बकवास नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई होती, सिर्फ पढ़ाई। और जो बहुत ही एकदम छोटी चीज़ें हैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं देता, जो एकदम छोटी चीज़ें हैं जो एक एवरेज बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है ये बिलो एवरेज बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे बिलो एवरेज हैं, जिनको एकदम घसीट पसीट के पढ़ाना पड़ता है, उनके लिए नहीं है। खैर, उनके लिए जेई ही नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ, एक एवरेज बच्चा भी जेई में अच्छा कर सकता है, लेकिन आप सोचो कि एकदम बिलो एवरेज बच्चा है जिसने आज तक जिंदगी में ढंग से पढ़ाई की ही नहीं, अचानक से उसके अंदर कुछ ऐसा जग जाए कि वो सीधे जेई निकाल दे, इसकी संभावना बहुत कम है। मैं कभी ये नहीं कहता कि असंभव है, लेकिन संभावना बहुत कम है, और इसलिए उन बच्चों को मैं टारगेट नहीं करना चाहता। उनकी वजह से जो बच्चे सिंसियर प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनका समय स्पॉइल होता है, समझो मेरी बात। तो जो बिलो एवरेज बच्चे, उनको समझाने के चक्कर में कि अरे देखो मैं जो समझाऊंगा ना वो हर बच्चे को समझ आएगा, एक बार नहीं समझ आएगा ना तो पांच बार समझाएंगे, अरे भाई अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को पांच बार समझाना पड़ रहा है, आप कोई छोटी एग्ज़ाम उठाओ उसकी तैयारी करो बेहतर होगा, यहाँ वो सब नहीं चल पाता है। आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, आप अगर रूल देखोगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बराबर हैं, अब सब न्यूट्रल ही है, अब सब न्यूट्रल ही है, तो चार्ज सेपरेशन का कोई फंडा यहाँ नहीं लगने वाला। तो एट लास्ट आपको देखना पड़ेगा बेंजिनॉइड्स, आपको देखना पड़ेगा बेंजिनॉइड्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, पता है, बॉन्ड ऑर्डर के, वो क्वेश्चंस आप देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर के। आप अगर देखो यहाँ पर ये भी बेंजिनॉइड है और ये भी बेंजिनॉइड है, दो बेंजीन रिंग देख रहे हैं आप। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन की ना रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है सर? पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे आगे। इसीलिए ना बेंजीन के जितने रिंग्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक नेफ्थलीन और एक बेंजीन में बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। सर ये बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, आगे पढ़ाएंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है।
तो इसका मतलब अगर एक नेफ्थलीन है और दो बेंजीन है तो दो बेंजीन ज़्यादा स्टेबल माने जाएंगे, हाइपोथेटिकली अगर सोचो तो। तो चलिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दो बेंजिनॉइड्स मिले, यहाँ पर एक बेंजिनॉइड है, ये बेंजीन नहीं बन पाया, देखो बेंजीन नहीं बन पाया ये, अच्छा ये भी बेंजीन नहीं बन पाया, तो एक ही बेंजिनॉइड है। यहाँ पर देखें ये भी बेंजीन बन गया, ये भी बेंजीन बन गया, तो दो बेंजिनॉइड है। यहाँ देखो तो एक बेंजिनॉइड है, ये बेंजिनॉइड नहीं है। तो पता है कैसा ऑर्डर आएगा, फर्स्ट और थर्ड इक्विवेलेंट माने जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्विवेलेंट माने जाएंगे और बेहतर माने जाएंगे, बेहतर माने जाएंगे एज कंपेयर टू सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ भी इक्विवेलेंट, सेकेंड एंड फोर्थ भी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो समझ लो तो हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका होगा, ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका होगा, इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा। तो इस तरह से आप नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनैंथ्रीन, अगर इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, जेई इसे भी अपने पेपर में शामिल कर सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में। चलिए अगला केस करते हैं, अगला केस करते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू पिक अप अ क्वेश्चन फॉर यू। चलिए ये करके बताइए, ये जेई 2009 का सवाल है, जेई 2009 का सवाल है, ठीक है। चलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है, सी एच टू डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन प्लस माइनस, ऑप्शंस भी हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद से करिए। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन सी एच टू प्लस सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन माइनस, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर, देन कम्स सी एच टू माइनस सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, सी एच टू माइनस सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस, ठीक है। एंड देन कम्स सी एच टू माइनस सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन प्लस, सपोज दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर। सभी ठीक तो बनाया मैंने, क्वेश्चन तो ठीक लिखा है ना, आप स्टेबिलिटी कंपेयर करो, मैं एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यस ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हाँ ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन नज़र आ रहा है, तो अगर देखा जाए सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स देखें, तो यहाँ दो पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक ही पाई बॉन्ड है, तो एक चीज़ तो समझ आ रही है कि फर्स्ट और थर्ड बेहतर है, फर्स्ट और थर्ड ये तो बेहतर हैं एज कंपेयर टू सेकेंड एंड फोर्थ, ये तो ठीक है, ये तो पहले ही दिख गया हमको, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से दिख गया। अब फर्स्ट और थर्ड में कौन बेहतर है, चलिए देखिए, एन पे माइनस एन पे प्लस, सी पे माइनस एन पे प्लस, तो कौन बेहतर है, फर्स्ट बेहतर है, क्योंकि एन पे माइनस सी के माइनस से ज़्यादा अच्छा होता है, एन का माइनस सी के माइनस से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड और फोर्थ में देखने के लिए, सेम चार्ट से ही बता लोगे यार, एन पे माइनस सी एच टू पे प्लस, यहाँ माइनस प्लस। अब ये देखो सिंपली ये भी समझ में आ रहा है, एन पे माइनस है, यहाँ पे सी पे माइनस है, ऑब्वियसली एन पे माइनस इज बेटर, सो टू इज बेटर देन फोर, टू इज बेटर देन फोर, ये हो गया, समझ आ गई बात, ये बात समझ आ गई, आ गई होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जेई 2025, आई वुड से बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जेई 2025,
अरे 2025 क्यों बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गए होंगे दिमाग से। ये है जेई 2005, 2025 बोल रहा हूँ, जेई 2005 लगभग 20 साल पुराना सवाल बट सबसे बढ़िया सवाल। चलिए मैक्सिमम लोग गलत करते हैं इसको, मैं बता रहा हूँ आपको बताना है। लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्वेश्चन ऐसा है कि लीस्ट स्टेबल कौन सा है, मैं कहूँगा कि आप ऑर्डर ही बताइए। क्वेश्चन एज एकदम मैं सीधा सीधा फ्रेम करूँ तो पूछा गया था लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, बट आपको मैं कहूँगा कि आप पूरा ऑर्डर ही बताइए। सो दिस इज द क्वेश्चन, सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच प्लस, सी एच माइनस, ओ सी एच थ्री। देखो यहां पे ना क्या कर रहा है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ के माइनस प्लस ला रहा है और उसको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घोषित कर रहा है। कोई बात नहीं मान लो, क्योंकि रेजोनेट होने के पहले अगर आप सोचो एक मोमेंट पे तो पाई बॉन्ड टूटा होगा, टूट के फिर रेजोनेट कर रहा होगा, तो वो टूटने वाले मोमेंट को भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मान रहा है। ये पाई बॉन्ड टूटा होगा फिर रेजोनेट कर रहा होगा जिधर भी जा रहा होगा, तो जैसे टूटा तो उस मोमेंट पे पॉज करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है इसने। चलिए अच्छी बात है, मान लीजिए कोई बात नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दूसरा ऐसा है सी एच टू माइनस सी एच प्लस सी एच डबल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, ओ सी एच थ्री। लीस्ट स्टेबल बताना है। देन नेक्स्ट इज सी एच टू माइनस सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड, ओ प्लस सी एच थ्री। एंड द फोर्थ स्ट्रक्चर इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच माइनस सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ओ पे प्लस। इफ दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। ट्राई आउट बाय योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद से करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, क्या आंसर मिल रहा है उस पे आओ। सो यू हैव टू टेल द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखो, आई होप आपने किया होगा। अब देखो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप सबसे पहले देखो तो यार कोवेलेंट बॉन्ड्स देखा जाएगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड एक ही एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक ही एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ तो अच्छे हैं। थर्ड और फोर्थ की बात करी जाए तो ये बेहतर है एज कंपेयर टू वन एंड टू, वन एंड टू से तो बेहतर है। अब थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा अच्छा कौन है, थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा अच्छा कौन है, तो आप सीधे देखो चार्ज सेपरेशन, समझ आ रहा है, चार्ज सेपरेशन, इसमें चार्जेस पास हैं, इसमें चार्जेस दूर हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ थर्ड वाला कम स्टेबल है, थर्ड वाला कम स्टेबल है, फोर्थ वाला ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल हैं दोनों, तो समझ आ गया फोर्थ इज बेटर देन थ्री एंड फोर्थ इज द बेस्ट ऑफ ऑल। नाउ व्हाट अबाउट वन एंड टू, वन और टू में अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि आपके जितने भी रूल्स हैं वो फेल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट, यही मैं कह रहा था, यही कह रहा था मैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। आप देखोगे माइनस, आप देखोगे प्लस, आप देखोगे प्लस, आप देखोगे माइनस। अब यहां पे मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं गलत सलत एक्सप्लेनेशन देते हैं लोग इसका, बहुत ही गलत सलत एक्सप्लेनेशन। जहां इंटरनेट में देखोगे आप रिटर्न टैक्स सॉल्यूशन देखोगे, 99% चांस बता रहा हूं मैं गलत ही होगा, जो बता रहा हूं वही सही है, मान लेना बात को।
अब सुनो, यहां पे प्लस माइनस, यहां पे चार्ज सेपरेशन बराबर, सब कुछ बराबर। अब आप बोलोगे इंडक्टिव इफेक्ट से देखना पड़ेगा सर, ऐसे में तो आपके जो रूल्स आपने बताए उससे इंडक्टिव से देखना पड़ेगा। तो सर ऐसा लग रहा है कि इंडक्टिव से ये खींच रहा है, इंडक्टिव से ये खींच रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा माइनस, ये माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा लग रहा है। बट मैं बताऊं, इंडक्टिव से यहां नहीं देखना, इंडक्टिव से नहीं देखना यहां पर। यहां क्या करना है पता है आपको? आप नेचर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नेचर देखो। ये जो ज्यादा स्टेबल है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर ये मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये शायद इसका जो मेन मॉलिक्यूल बनता ना, ये शायद ऐसा बनता 1,3 ये 1 पे मिथॉक्सी ब्यूटाडाइन है, ये शायद इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो जब इसका रेजोनेंस कराओगे ना, तो आप अल्टीमेटली पाओगे ये ओ का लोन पेयर इधर जा रहा होगा, ये डायरेक्शन है रेजोनेंस का, जो प्रॉपर रेजोनेंस का डायरेक्शन है वो ये है, इधर माइनस इधर प्लस। और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो लोग क्या कह रहे हैं? जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अगर समझ आएगा तो मजा आ जाएगा। देखो ये मोर स्टेबल वाले क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसके इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, इस तरह का डाइपोल क्रिएट हुआ है, इस तरह का डाइपोल क्रिएट हुआ है, इधर प्लस, इधर इधर माइनस, इधर प्लस। और अगर आप देखो ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को, तो ये उल्टी बात कर रहा है, ये कह रहा है इधर माइनस इधर प्लस, और ये देखो तो ये कह रहा है इधर प्लस इधर माइनस। तो कहीं ना कहीं ये जो है मोर स्टेबल वालों के जैसे ही बात कर रहा है, समझ पा रहे हो? और ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, ये अपोजिट नेचर का बन गया है, ये अपोजिट नेचर का बन गया है। जी हाँ, ये अपोजिट नेचर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बाकी लोग जो ज्यादा स्टेबल हैं, जो बड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं ए से बी जा रहा है, ये कह रहा है नहीं बी से ए जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये नशे में, हम बोलेंगे ये नशे में भाई, तेरी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत खराब है, तू उल्टी बात कर रहा है, हमें इन पे ज्यादा ट्रस्ट है। ये लोग कह रहे हैं इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, मॉलिक्यूल के इस साइड प्लस इस साइड माइनस, ऐसा डाइपोल बन रहा है, लेकिन तुम तो उल्टी बात कर रहे हो, तुम अपोजिट नेचर के हो, तुम्हारी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो वन और टू में टू ज्यादा स्टेबल है, वन और टू में टू ज्यादा स्टेबल है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या आना चाहिए? फोर्थ सबसे बढ़िया, फिर थर्ड, फिर सेकेंड एंड देन फर्स्ट। तो ये है करेक्ट आंसर। कुछ ना कुछ जुगाड़ से आंसर देख के लोग फिट करने की कोशिश करते रहते हैं इसमें, कि कोई अपना लॉजिक बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बट ये जो मैं लॉजिक दिया हूँ 100% यही लॉजिक करेक्ट है, इसके अलावा और कुछ करेक्ट नहीं हो सकता, दावे के साथ कैमरे पे कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलो अब 1:07 हो गए, तो अब बचा के रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मुझे करानी है, वो मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी इंडक्टिव वाला कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं हुआ कहीं, है ना, वो कैसे यूज़ होता है वो भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं लेक्चर्स की क्वालिटी, आपको कितना डिटेलिंग के साथ एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये लेक्चर्स में दम है, तो प्लीज़ आप शेयर करिए लेक्चर्स को, हमारे YouTube चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए। और अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं और फिर भी आप MIIT ऐप इंस्टॉल करके हमारे पेड कोर्सेज में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने लिए एक नुकसान कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। जिस तरह से आपको ये GOC पढ़ाई जा रही है, जिस तरह से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई गई है और अदर चैप्टर्स YouTube पर पढ़ाए गए हैं, उससे भी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ दूसरे चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं यहाँ पर। उससे ज़्यादा डिटेलिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो बड़े हैं, उसमें डिटेलिंग करने का स्कोप ज़्यादा है। और फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर्स का जो मेन डिफ्रेंशिएटर है, कोर्सेज का जो मेन डिफरेंशिएटर है, वो यही है कि हमारे लेक्चर्स में डेप्थ है, हमारे लेक्चर्स में एक्यूरेसी है। केमिस्ट्री को जिस तरह से पढ़ना चाहिए, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके सामने परोसी जा रही हैं। ओके, तो बिल्कुल आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप हो सके तो लेक्चर्स को शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, MIIT ऐप शेयर करिए, और जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज़, आप कॉमेंट में दे सकते हैं या फिर हमारे ऐप के डैशबोर्ड में दे सकते हैं, तो आपके रिव्यूज़ देख के भी बेटर लगता है मुझे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।